मैं डॉक्टर अजीत और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक इस पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है अफ्रीकन ट्यूलिप। तो इसको हमारे यहाँ मराठी में याला पिचकारी भी कहते हैं, फाउंटेन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसको दबाने के बाद ऐसा पानी बाहर आ जाता है, तो इसके बर्ड्स में बहुत सारा पानी रहता है, तो इसको फाउंटेन ट्री या पिचकारी भी कहते हैं। आपके यहाँ इसको बोली भाषा में क्या कहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। और जो लोग अभी चैनल पे जुड़े उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है ये इसका जो फ्लावर है इंटेंस रेड ऑरेंज कलर का है और इसके बर्ड्स इस तरह से रहते हैं और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। 7 से 19 तक इसके लिपलेट रहते और पाइनेटली कंपाउंड है और इसका ओरिजिन है अफ्रीका में। तो डिटेल्स में हम अभी देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। मित्रों इसको रुद्रपलाश, बंगाली में उसको इसको रुद्रपलाश कहते हैं और ये जो अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री है इसको रुद्रपलाश कहते हैं और तमिल में इसको पताड़ी कहते हैं, मराठी में आकाश शेवगा पाथरी भी कहते हैं, इसी तरह से पिचकारी भी नाम से प्रसिद्ध है। और इसका हाइट जो है ये 60 फीट तक है और 18 मीटर से 60 फीट तक है इसका हाइट और नेटिव टू ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका से आया हुआ वनस्पति है। इसके फ्लावर्स जो है आप देख रहे हैं, फ्लावर्स है जाइगोमॉर्फिक इनका नेचर है और बायसेक्सुअल है और इसको जो ये जो बर्ड्स है वो क्लॉलाइक इनका नेचर है, ऐसा पंजे जैसा, तो क्लॉलाइक है। तो इसको दबाने के बाद इसको में से पानी आ जाता है, यहाँ भी मेरे दुर्वा के चेहरे के ऊपर उसका पानी आ गया है, तो इसको पिचकारी कहते हैं और इसको फाउंटेन ट्री भी कहा जाता है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो है अगर हम रास्ते के साइड में इसको लगाते हैं तो इसका जो फ्लावर्स है वो हमें हार्मफुल कर सकता है, क्योंकि इसमें से हम गिर सकते हैं, क्योंकि इसका स्लिपरी एक्शन रहता है और ये जो स्लिपरी एक्शन रहने की वजह से हम नीचे गिर सकते हैं, तो इतना हमें ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिटी में जो रास्ता रहता है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इसको लगाया जाता है, लेकिन इसका दूसरा एक ड्रॉबैक है कि एक बारिश के मौसम में इसका पेड़ टूट सकता है, इसकी जो कमकोत रहता है, तो मित्रों आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसे कहते हैं अफ्रीकन ट्यूलिप। इसका जो कन्नड़ा नाम है निरुकई मारा। आपके यहाँ इसको बोली भाषा में क्या कहते हैं, इसका हमें जरूर आंसर दीजिए। और बॉटनिकल नाम है स्पैथोडिया कैम्प्यूलाटा। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार बॉटनिकल नेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पैथोडिया कैम्प्यूलाटा। तो मित्रों इसको ऑर्नामेंटल ट्री कहते हैं, एक लार्ज अपराइट ट्री है, ग्लॉसी इन नेचर है, ये बहुत ही शानदार दिखता है और इसके जो फ्लावर्स है मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बताया कि इसे हार्मफुल क्यों है, इसके साथ ही अफ्रीका में इसको HIV ट्रीट करने के लिए और मलेरिया के पेशेंट ट्रीट करने के लिए इसका जो लीव्स है इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये पहले अफ्रीका में मिल चुका और अभी तो इसका नाम भी ऐसा ही है, अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इसका जो पौधे है फूल्स है ग्लॉसी नेचर है इनका, जैसे हमारे दुर्वा की तरह दिख रहे हैं फूल्स। और मित्रों ये फ्लावर्स जो ये सब क्लस्टर फॉर्मेट में आते हैं और वेलवेटी ब्राउन जो है इनका नेचर है और बहुत ही सुंदर और मखमल की तरह लगते हैं। ओल्स लिफलेट है, 7 से 19 तक इसके पौधे आते हैं, पिनेटली कंपाउंड है। तो आपको नेचर के बारे में इसका बारे में पता चल गया। अभी हम इसकी जो किंगडम है इसका प्लांटी किंगडम है और फैमिली बिग्नोनेसी जो है तो इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। हिंदी में इसको रगतुरा कहते हैं
सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बर्ड, तो इसको पिचकारी हमारे यहाँ कहते हैं। आप क्या इसको क्या कहते हैं जरूर हमें बताएं। और मलयालम में इसको पांचट पांचट करके भी पुकारा जाता है। फैमिली बिग्नोनेसी है और इसका जो स्पैथ रहता है यानी ढाल के आकार का रहता है। तो इस तरह से इसका इन्फॉर्मेशन है। जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़ चुके हैं उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूरोपियंस ने इनको 1787 में उनको इसको पेड़ को ढूंढ के निकाला, गोल्ड कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसको नाइल फ्लेम कहा जाता है, नाइल फ्लेम अफ्रीका में, और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और किंग ऑफ फ्लावरिंग ट्री ये भी कहा जाता है। कोई लोग इसे इसका ओरिजिन जो है वो युगांडा में अफ्रीका में युगांडा में इसको पाया गया। नेटिव टू ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। और हमने बताया कि इसका फीट जो है वो 60 मीटर तक रहता है। हमारे यहाँ कराड़ में, महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़ में इसको बहुत जगह इसको लगाया गया है। तो ये हमारे यहाँ की अपनी गार्डन की शोभा बढ़ाता है क्योंकि इसको ऑर्नामेंटल सौंदर्यवर्धक भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं बोली भाषा में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे ऐसे ही प्रेरणा आप बढ़ाते रहे तो हमें इससे और प्रेरणा मिलेगी। और नेक्स्ट में हम और नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने आएंगे। तो मित्रों ये बहुत ही अच्छा शानदार फूल है, आप गार्डन में लगा सकते हैं। इसको गार्डन में लगाने से आपकी गार्डन की ब्यूटी बढ़ जाएगी। और रुद्र पलाश मैं कहूँगा क्योंकि पलाश जैसा ही है लेकिन फ्लावर जो है पलाश जैसे दिखते हैं लेकिन इसको रुद्र पलाश कहते हैं। रगतुरा, आकाश शेवगा, पात्री, पिचकारी ये सब इसके नाम है। तो और जो हमने बताया कि आपको ये बायसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है। तो मित्रों बाय बाय, अगले टॉपिक में हम और किसी वनस्पति के बारे में आपको जानकारी देंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।